हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई हो आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास सैमसंग का A22 5G फ़ोन है। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी मॉडल हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये A22 5G है, इसी में प्रॉब्लम आ जाती है। मैं तो ये समझता हूँ कि 90% सैमसंग के आल मॉडल में ये प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे पास तो A22 5G है। बहुत सारे भाइयों का ये भी कमेंट आ रहे कि जब हम चार्जिंग लगाते हैं बैटरी में तो इस तरह से कट का निशान आ जाता है। ठीक है गाइस, तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको यहां पे इसमें चार्जिंग लगा के दिखा देता हूं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। देखो गाइस, यहां पे बैटरी आपको दिखाई दे रही होगी। देखो मैं यहां पे इसमें चार्जिंग लगा देता हूं। गाइस, मैंने यहाँ पे इसमें चार्जिंग लगा दिया है। देखो क्या नाम है, ये देखो यहाँ पे बैटरी में इस तरह से कट का निशान आ चुका है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे इस तरह से कट का निशान आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस कारण की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है और इसको कैसे ठीक करें। तो गाइस, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है देखो, तो मैं इसको आज आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे इसको चार्जिंग को निकाल दिया है। मैं चार्जिंग को निकाल के चेक करता हूँ तो ओके, ना ही ये चार्जिंग हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से सबसे पहले इसको ऐसे रख के खोल लेता हूँ। ये चिपका हुआ होता है गाइस, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप ऐसे उतार लो चाहे इसको मशीन से उतार लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे पास तो A22 5G है। अगर आपके पास चाहे जो मॉडल हो सैमसंग का मॉडल, उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप उसको भी हमारी वीडियो के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। बस आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई। गाइस, आपको बहुत धीरे से खोलना है क्योंकि यहाँ पे इसका फिंगर होता है, और कभी आप ऐसे खोलें और इसका फिंगर टूट जाए। बहुत धीरे से खोल के फिंगर प्यार से निकाल लेना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको, मैं यहाँ पे चार्जिंग पत्ते को भी इसको खोल लेता हूँ। गाइस, ये दो तीन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं आपको दोनों तीनों तरीके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो मैंने इसको यहाँ पे खोल लिया है, अब मैं इसको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। गाइस, आपको करना क्या है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मैं सिंपली तरीका बता देता हूँ। मैं बहुत सिंपली तरीका गाइस आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। आपको करना यह है कि ये बैटरी का पत्ता कैसे दोबारा निकाल के, और ये वाला भी निकाल के, और ये वाला भी निकाल के। तो निकालने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके बैटरी कनेक्टर को और ये चार्जिंग कनेक्टर को वॉश कर लेना है। ये बहुत सी बार इसकी वजह से भी, कार्बन की वजह से भी सबसे पहले ये प्रॉब्लम आ जाती है। बड़ी बड़ी चीज़ को छेड़ने से पहले आपको छोटी चीज़ें चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसके कनेक्टर वॉश कर लेता हूँ पेंट्रोल से। बैटरी का कनेक्टर भी आपको वॉश कर लेना है, और ये नीचे का जो कनेक्टर है ये भी आपको वॉश कर लेना है, और हल्का सा इसके जेक में भी इसको मार देना है ब्रश से, ताकि जो कार्बन आ चुका है वो साफ़ हो जाए। गाइस, मैंने इसको यहाँ पे वॉश कर लिया है अच्छे से। अब इसको एक दो सेकंड सूखने दें जो हमारा पेट्रोल लगा है। गाइस, बहुत से मिस्त्री करते हैं कि बता देते हैं बैटरी ख़राब है, या फिर चार्जिंग आई सी ख़राब है, या ये ख़राब है वो ख़राब है। इसका कुछ नहीं ख़राब होता, सिर्फ कार्बन की ही वजह से इसमें दिक्कत आती है। देखो मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ अब इसके कनेक्टर लगा के। ओके गाइस, मैंने इसको कनेक्टर को यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से लगा दिया है। अब मैं इसको सीधा कर लेता हूँ और इसमें चार्जिंग लगा के चेक करता हूँ कि इसमें अब भी कट का निशान आता है या नहीं। देखो मैंने यहाँ पे इसको चार्जिंग पे लगा दिया है, फिर देखो डिस्प्ले दिखा रहा है अभी ये चार्जिंग लोगो।
आप आगे भी चेक करते हैं गाइज। पहले जब स्विच ऑफ करके भी कस्टमर का बताना है कि अगर मैं स्विच ऑफ करके भी चार्जिंग पे लगा रहा था तो तब भी ये प्रॉब्लम इसमें प्रॉपरली आ रही थी। तो गाइज देखो मैंने यहाँ पे स्विच ऑफ करके लो आपको इसमें चेक करा दिया है। अब मैं इसको ऑन करके भी चेक करा देता हूँ कि ये ऑन होने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। गाइज ये इसमें आपको अगर आप ऑन करना चाह रहे हैं तो आपको ये फिंगर लगाना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका फ़ोन ऑन होगा। चाहे बटन की मदद से भी ऑन कर लेते हैं। चलो मैं बटन से इसको खोल लेता हूँ। मैंने इसको देखो यहाँ पे बटन से खोल लिया है। अभी जब इसका स्विच ऑफ खुल जाएगा तो मैं आपको चार्जिंग लगा के इसमें चेक करा दूँगा कि अब भी इसमें कट का निशान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो कस्टमर का बताना है कि अगर स्विच ऑफ करके भी हम इसको चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो तब भी ये चार्ज नहीं हो रहा था और इसमें ऐसे कट का निशान दोनों तरफ आ रहा था। गाइज ये चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा, हम बहुत मेहनत करके बहुत कुछ सीखने के बाद ही ये चीज़ें आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि इस तरह से फ़ोन उठाया और ये बता के अपने छोड़ दिया, नहीं। आपकी प्रॉब्लम इतने सॉल्व नहीं होगी, हम इतने वीडियो बनाते रहेंगे। देखो गाइज यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली ये हमारा फ़ोन चार्जिंग हो चुका है। अब ये डिस्प्ले पे भी निशान ये दिखा रहा है और चलो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी चार्जिंग लोगो अच्छे से दिखा रहा है। देखो गाइज पहले तो कट का निशान आ रहा था इसमें, अब ये ओके चार्जिंग आ रहा है, फास्ट चार्जिंग। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो समझ पाए होंगे और आपकी वीडियो ये समझ में आई होगी। अगर आपकी इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो कमेंट में एक बार हमारे को ज़रूर बताएं और उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या करना है। बहुत सारे भाई कह देते हैं कि इसकी चार्जिंग ऐसी ख़राब है 500 रुपया लगेगा और बैटरी ख़राब है 800 रुपया लगेगा और ये ख़राब है 1000 रुपया लगेगा। कुछ ख़राब नहीं होता, मैंने आपके सामने इसके कनेक्टर को वॉश किया है और कनेक्टर वॉश करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे चार्जिंग लगा के देखो चार्जिंग यहाँ पे लगा हुआ है। सिर्फ ये कनेक्टर वॉश करने के बाद हमारा फ़ोन बिल्कुल ही 100% चार्ज हो रहा है और देखो चार्जिंग भी आपको ये दिखा रहा है। देखो मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद करने के बाद अब मैं देखो दोबारा इसको चालू करता हूँ। देखो गाइस आ रहा है इस पर फास्ट का निशान और चार्जिंग भी हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल 100% वीडियो समझ पाए होंगे। गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगती है। इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान का हौसला बढ़ता है। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।